हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। यू आर वाचिंग द मरीन वेल्स। मैं हूं आपका दोस्त जयवर्धन सिंह राणावत और बहुत ही लंबे टाइम के बाद एक बार फिर से आ चुका हूं एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए काफी थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ी, इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएनएस के टॉप थ्री कॉलेजेस, जो भी इंडिया में डीएनएस के टॉप थ्री कॉलेजेस हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं कि वो कौन से तीन कॉलेजेस हैं जो कि आप चूज कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा बड़ा डाउट होता है आजकल तो इंडिया में, मतलब इतने ज्यादा कॉलेजेस खुल गए हैं स्पेशली डीएनएस के, क्योंकि मतलब कोई नंबर ही नहीं है, इतने सारे कॉलेजेस खुल चुके हैं डीएनएस के, क्योंकि एक साल का कोर्स है और बहुत सारे लोगों को प्रॉफिट होता है। एक साल के कोर्स में फीस बहुत ज्यादा लगा देते हैं और उसके बाद में जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम आपके से गेन कर लेते हैं आपके थ्रू। तो इसी वजह से काफी प्रॉफिटेबल कोर्स है ये इंस्टीट्यूट्स के लिए भी, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है इसी वजह से डीएनएस अपने जो करिकुलम है उसमें ऐड कर रहे हैं। तो आपको कौन सा कॉलेज है डीएनएस का जो चूज करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा कॉलेजेस हैं। आप आजकल तो मतलब ऐसे ऐसे एरियाज में कॉलेजेस खुल गए हैं जहां का आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। तो इन सारे कॉलेजेस में जाने से बचें, उल्टे सीधे कॉलेजेस में जाने से बचें और एक अच्छा कॉलेज पिक करें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में वही बताने वाला हूं कि कौन से वो तीन कॉलेजेस हैं जो कि आप आंख बंद कर जो है चूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको उस कॉलेज के ऊपर एक ट्रस्ट होना चाहिए कि आप जिस भी कॉलेज में अपना एक साल इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एक बहुत ही बढ़िया कॉलेज हो और वो आपके करियर के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। वो कॉलेज कोई ऐसा कॉलेज चूज ना कर बैठे कि मतलब फर्क ही नहीं पड़ा, उसके बाद में कॉलेज तो चूज कर लिया, उसके बाद में वहां पर जाकर ना आपको प्लेसमेंट मिल रही है, कोई फायदा नहीं है किसी भी चीज का, तो कोई मतलब ही नहीं है उस कॉलेज का। तो ऐसा कॉलेज चूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपके करियर में आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करे, इनिशियली बहुत ज्यादा पुश करे। हालांकि बाद में तो एक बार करियर स्टार्ट करने के बाद तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आप कौन से कॉलेज से आए, लेकिन एक बार इनिशियली जो पुश होता है मर्चेंट नेवी में वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऑफकोर्स जॉब्स काफी ज्यादा कम है मार्केट में और स्पॉन्सरशिप, मेनली स्पॉन्सरशिप, इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन है स्पॉन्सरशिप में, इतने सारे लोग जो है वो स्पॉन्सरशिप के एग्जाम्स इंटरव्यूज देते हैं और बहुत ही चुनिंदा लोग ऐसे होते हैं जो कि एक्चुअली में स्पॉन्सर हो पाते हैं। इस कंडीशन में एक अच्छा कॉलेज मिलना बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, अभी के अभी जाकर करो अभी के अभी, ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन उसकी जरूर मिले। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात है ये, इस वीडियो में हम जो लिस्ट डिस्कस करने वाले हैं टॉप थ्री कॉलेजेस की, ये कोई ऑफिशियल लिस्ट नहीं है डीजी शिपिंग की तरफ से, ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है। आप इसको किसी भी ऑफिशियल चीज समझ कर ना बैठे कि हाँ ऑफिशियली जो है डीजी शिपिंग की तरफ से वो ये तीन कॉलेजेस बेस्ट है, ऐसा डीजी शिपिंग कोई भी लिस्ट नहीं निकालता है कि डीएनएस के लिए ये टॉप थ्री कॉलेजेस है। इसीलिए काफी रिसर्च करने के बाद एक हफ्ता मेरे, और रिसर्च का सोर्स भी मैं आपको बता देता हूँ, मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो इन सारे डिफरेंट कॉलेजेस में पढ़ते हैं बहुत सारे कॉलेजेस में, तो उनसे बस फोन पर बात वगैरह करके कि आपके कॉलेज में क्या हालचाल है, किस तरीके की चीजें होती हैं आपके कॉलेज में, तो वो सब बातें निकलवा के उसके बाद में थोड़ा डिसाइड करके कि उस कॉलेज के पिछले साल के प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स कैसे थे, उसके पिछले साल के प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स कैसे थे, दो तीन साल के देखने पड़ते हैं ताकि एक कंसिस्टेंसी नजर आए। ऐसा नहीं हो कि एक साल अचानक से कोई कंपनी आ गई, बहुत सारे कैडेट्स लेकर चली गई, तो इसका मतलब हम उस कॉलेज को अच्छा समझ लें, ऐसा नहीं होता। एक कंसिस्टेंसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हमें ये पता चले कि वो जो कॉलेज है वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, वो कंसिस्टेंटली जो है वो जॉब दे रहा है अपने कैडेट्स को, तो ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस चीज का भी ध्यान रखा गया है। तो पिछले कुछ दिनों में मैंने एक हफ्ते में अप्रॉक्स मेरे दोस्तों को फोन किया बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में और उसके बाद उनसे बात की। किन बारे में बात की, तो सबसे पहले ये बता देता हूँ कि वो कौन से तीन क्राइटेरिया थे जिनके बेसिस पर मैं कॉलेजेस को रैंक करने वाला था कि कौन से कॉलेजेस जो है वो अच्छे हैं आपके लिए डीएनएस ज्वाइन करने के लिए। तो सबसे पहले तीन जो क्राइटेरिया थे, नंबर थर्ड जो क्राइटेरिया था वो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर था, क्योंकि आप जिस भी कॉलेज में जाए वो एक अच्छा कॉलेज होना चाहिए आपके लिए, एनवायरमेंट वहां पर पढ़ने का अच्छा होना चाहिए, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। और ऑफकोर्स अगर आपको एक अच्छी कॉलेज लाइफ भी स्पेंड करनी है देन अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना जरूरी ही है। ऐसा नहीं होगी एक कमरे में ले जाके बिठा दिया और बोले कि अब यही तुम्हारा कॉलेज है, ऐसे भी बहुत सारे कॉलेजेस चलते हैं इंडिया में, वो नहीं चाहता मैं आपके लिए। एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो दूसरा पॉइंट था वो था दूसरा पॉइंट कि वहां की फैकल्टी कैसी है, वहां पर पढ़ाई कैसी होती है। और पढ़ाई में मेरी ये
बात है कि जो भी फैकल्टी पढ़ाती है वो कितना अच्छे से पढ़ाती है, वो कितना अच्छे से बच्चों को वहां पर समझ में आता है। तो फैकल्टी एक बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो सोर्स बन जाता है, और स्पेशली जो फैकल्टी है वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है टेक्निकल नॉलेज गेन करने में। दैट इज ऑफकोर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज योर करियर इज कंसिडर्ड इनिशियली एटलीस्ट। तो वो सारी चीजों को कंसर्न में रखते हुए फैकल्टी को भी ध्यान में रखा गया है कि आपके कॉलेज की फैकल्टी कैसी है। उसके बाद आता है सबसे बड़ा एलिफेंट इन द रूम ऑफ कोर्स प्लेसमेंट, की उस कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है, ना कि पिछले एक साल में। मैंने पहले बताया था सिर्फ पिछले एक साल का नहीं, हालांकि पिछले दो तीन साल का प्लेसमेंट रिकॉर्ड और उसमें कंसिस्टेंसी दिखे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा तो हो ही, प्लस साथ ही में कंसिस्टेंसी जो है वो हो। और प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा कैसे, एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। अगर कोई भी कॉलेज आपको 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड की गारंटी दे रहा है, देन दैट माइट नॉट बी पॉसिबल। 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड की गारंटी ये सारे कॉलेजेस भी नहीं देते हैं जिनका मैं नाम लेने वाला हूँ, लेकिन ऑफकोर्स द प्लेसमेंट रिकॉर्ड ऑफ दीज कॉलेजेस आर फिनोमिनल। इन कॉलेजेस के प्लेसमेंट रिकॉर्ड एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस आर मच मच बेटर। तो बात करते हैं ये सारे तो क्राइटेरियाज थे, इन तीन क्राइटेरियाज पे हमने जज किया है कॉलेजेस को। तो अब बात करते हैं सबसे पहला कॉलेज कौन सा है इंडिया का सबसे बेस्ट डीएनएस के लिए। तो नंबर वन कॉलेज है एंग्लो ईस्टर्न। तो एंग्लो ईस्टर्न एक बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी, आपने नाम तो सुना ही होगा इस पर्टिकुलर कॉलेज का। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि डीएनएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस कॉलेज के फॉर्म भरना तो आपके लिए मस्ट है। सबसे पहले ट्राई करो कि अगर आप इस कॉलेज में जा सको, क्योंकि मोस्टली इनकी खुद की कंपनी है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा एडवांटेज है, और मोस्टली ये जो अपने कैडेट्स होते हैं उनको अपनी ही कंपनी में प्लेस करते हैं। हालांकि दूसरी कंपनीज में भी ये प्लेस करते हैं लेकिन अपनी कंपनीज में पहले प्लेस करते हैं, और बहुत ही बड़ी कंपनी है और रेप्यूटेड कंपनी है। ऐसा नहीं है कि कोई छोटी मोटी सी शिपिंग कंपनी है, बहुत ही ज्यादा जो रेप्यूटेड है वो काफी कंपनी है। तो इसी वजह से ये कॉलेज को आप डेफिनेटली चूज कर सकते हैं। नंबर सेकेंड कॉलेज है ऑफकोर्स तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, जो कि पुणे में बेस्ड है। ये भी एक काफी ज्यादा अच्छा कॉलेज है, यहाँ पर भी प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, और ऑफकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर इस पर्टिकुलर कॉलेज का बेस्ट है। बहुत ही बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है और फैकल्टी में भी कोई भी कमी नहीं है, बहुत ही बढ़िया फैकल्टी है। तीनों जो स्टैंडर्ड्स थे हमारे उन पे ये खरा उतरा है, बहुत ही बढ़िया कॉलेज है। आप इसमें भी ट्रस्ट करके इस कॉलेज के ऊपर आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। और नंबर थर्ड जो कॉलेज है वो है ग्रेट ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी, ये भी काफी ज्यादा अच्छा कॉलेज है। ग्रेट ईस्टर्न एक इंडियन शिपिंग कंपनी है, जी हाँ, इनकी खुद की शिपिंग कंपनी है, बहुत ज्यादा अच्छा कॉलेज है। यहाँ पर भी काफी सारे लड़कों की जो है स्पॉन्सरशिप वो हो जाती है। तो ये जो तीन कॉलेज है, आप इन तीनों कॉलेज में से कोई भी कॉलेज जो है वो आंख बंद करके आप चूज कर सकते हैं। हालांकि अगर आप रैंकिंग वाइज जाएंगे तो और भी आपके लिए बेटर रहेगा। नंबर थ्री पे है ग्रेट ईस्टर्न, नंबर सेकेंड पे है तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, और नंबर वन है AEMA, दैट इज एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम अकेडमी। एंग्लो ईस्टर्न में जाने की आप सबसे पहले ट्राई कीजिए, जो कॉम्पिटिशन इनका जो एग्जाम होता है एंट्री लेवल एग्जाम वो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और उसके बाद वो आपके जो है इंटरव्यूज लेते हैं स्पॉन्सरशिप के। तो अगर आप स्पॉन्सर्ड हो जाते हैं तो डेफिनेटली आपकी तो चांदी है, आपको वहां पर एडमिशन मिल जाएगा। आप वहां पर जो है स्पॉन्सरशिप लेने के बाद आप वहां पर अपना जो है वो कोर्स भी कंटिन्यू कर पाएंगे, और ऑफकोर्स हजारों लोग जो है इंडिया से वो स्पॉन्सरशिप के हर साल एग्जाम्स देते हैं, इंटरव्यूज देते हैं। अगर आप भी जो है प्रिपेयर कर रहे हैं स्पॉन्सरशिप, तो आप हमारी स्पॉन्सरशिप ट्रेनिंग को जो है वो आप देख चेकआउट कर सकते हैं। लिंक जो है फर्स्ट लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप स्पॉन्सरशिप ट्रेनिंग को चेकआउट कीजिए। अभी के अभी आप अपनी जो स्पॉन्सरशिप की ट्रेनिंग है वो शुरू कर दीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप स्पॉन्सरशिप की तैयारी करेंगे अभी से उतने ही ज्यादा आपके जो चांसेस हैं वो बहुत बढ़ जाएंगे। जब आप भी इंटरव्यूज जब भी आप देने जाएंगे, स्पॉन्सरशिप के एग्जाम्स जब भी देने जाएंगे, बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को यही पता नहीं होता है एग्जैक्टली कि स्पॉन्सरशिप के एग्जाम में एग्जैक्टली आता क्या है। जो सीबीटी आपने सुना है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसमें एक्चुअली होता क्या है, स्पॉन्सरशिप के इंटरव्यूज में क्या पूछा जाता है, क्योंकि आप फ्रेश आउट ऑफ 12th है, आपको पता नहीं है कि स्पॉन्सरशिप के इंटरव्यूज में क्या होता है, किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, उनके आंसर्स कैसे देते हैं, कुछ भी नहीं पता है आपको। अगर आपको ये सारी चीजें जाननी है तो आप डेफिनेटली इस ट्रेनिंग को जो है चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक है। और इस ट्रेनिंग को अगर आप लेते हैं तो इसके साथ में आपको हमारी जो स्पॉन्सरशिप की इंटरव्यू की ई बुक है, जो कि वर्थ है 250 रुपीज, वो भी आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी इसके साथ में। तो अब बात करते हैं कॉलेजेस की, फिर से अपना जो टॉपिक है वो डाइवर्ट करते हैं कॉलेजेस पे। इन तीनों कॉलेजेस में से आप कोई भी कॉलेज जो है वो चूज कर सकते हैं। अगर आपको किसी और कॉलेज में एडमिशन लेना है, बाय चांस अगर आपका इस कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है इन तीनों में से, तो आप दूसरे कॉलेजेस में भी एडमिशन ले सकते हैं। बशर्त ये है कि आप जो कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं दूसरे कॉलेज में, उसमें एडमिशन लेने से पहले गारंटीड
आपके पास जो है स्पॉन्सरशिप हो ही हो। अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है तो आप बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर रहे हैं किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर इन तीनों के अलावा। हालांकि इन तीनों में भी मैं सजेस्ट यही करता हूं कि आप पहले स्पॉन्सरशिप जो है वो क्रैक कर ले, पहले स्पॉन्सरशिप क्लियर कर ले, दैट इज ऑफकोर्स द बेस्ट सिनेरियो टू बी इन। तो सबसे पहले स्पॉन्सरशिप की तैयारी शुरू करो, स्पॉन्सरशिप ले लो, कॉलेज में जाओ एंड देन यू विल हैव अ ग्रेट करियर अहेड ऑफ यू। ट्रस्ट मी बहुत अच्छा करियर जाएगा, ना कॉलेज में कोई दिक्कत आएगी ना बाद में कोई दिक्कत आएगी, सब कुछ बहुत ही आपका स्मूथली हो जाएगा। तो इन सब चीजों के बारे में ध्यान रखिए, एक अच्छा कॉलेज चूज कीजिए अपने लिए। और एक और चीज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। और वो एक चीज ये है कि हम एक Q&A वीडियो बनाने का सोच रहे हैं, एक Q&A बहुत बेसिक सा वीडियो जिसके अंदर हम आपके क्वेश्चंस लेंगे और उसके आंसर्स हम देंगे। तो अगले 2-3 वीडियोस जो हम डालने वाले हैं उसके नीचे आप कमेंट कर सकते हैं #AskTMW इज नथिंग बट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द मरीन वेल्स। तो #AskTMW करके आप उसके बाद अपना जो भी डाउट है, अपना जो भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस को जो है एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट वीक, उसके अंदर हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को जो है लेने की कोशिश करेंगे और बहुत सारे आपके जितने भी अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स हम जरूर देने वाले हैं। तो #AskTMW करके आप जो है नीचे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हैशटैग लगाना ना भूले। और अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप वो भी पूछ सकते हैं डायरेक्टली नीचे कमेंट सेक्शन, उसमें कोई #AskTMW लगाने की जरूरत नहीं है, हम आपकी कमेंट्स का ऐसे ही रिप्लाई कर देंगे। और भी कुछ भी चीजें हो आपको डाउट तो वो जरूर पूछ लो नीचे। वीडियो पसंद आया तो लिख कर बताओ कि वीडियो पसंद आया है आप लोगों को ये, और ऐसे ही और भी वीडियोज आपको चाहिए, बहुत सारे वीडियोज हम आपके लिए बनाते रहेंगे, आपकी हेल्प करते रहेंगे, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और अगले वीडियो में तो मैं मिल ही रहा हूँ आपको, तब तक के लिए गुड बाय।